बरेली दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया एवं अन्य आप के मंत्रियों की निराधार और फर्जी गिरफ्तारियों के विरोध में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम सिंह मौर्य के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दौरान बताया गया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक और निराधार है। इसी के साथ मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आप सांसद संजय सिंह, मंत्री गोपाल राय, विधायक ऋतुराज झा, दिनेश मोहनिया, रोहित महरौलिया, आदिल खान समेत कई पार्षदों और कार्यकर्ताओं को फतेहपुर बेरी थाने से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए रात दिन मेहनत करने वाले आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके भाजपा ने साबित कर दिया। मोहम्मद दानिश खान, मैं जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी बरेली। क्या मामला आज ज्ञापन दे रहे हैं? मामला तो सर्वविदित है सर। कल हमारे देश के दिल्ली के शिक्षा मंत्री एक ईमानदार राजनीति को संचार करने वाले, बच्चों को नई शिक्षा ऊर्जा देने वाले मनीष सिसोदिया जी को दिल्ली पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। देखिए, मामला ये है कि हमने जो है राज्यपाल के माध्यम से, अपने यहाँ पे जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के लिए ज्ञापन दिया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी जो है वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। 15 साल के किले को भाजपा के आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त किया है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।